और मैं हूं उपेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं नेशन भारत। हाजीपुर एक कपड़ा मार्केट में आग लगने से लाखों रुपए की सामान जलकर राख हो गई। इस आग अग्निकांड में मां बेटे की भी मौत हो गई और उसके बाद एक युवक घायल भी हो गया। मैं बता दूं कि आग इतना बेकाबू हो गया कि दमकल की गाड़ी भी कम पड़ गई। आनंद फानन का माहौल रहा, पूरा अफरा तफरी का माहौल रहा। प्रशासन की टीम भी वहाँ पहुँच गई और फिर मुजफ्फरपुर और पटना से दमकल की गाड़ी बुलानी पड़ी। चार घंटा मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया गया। आप तस्वीर देखिए और सुनिए कि किस तरह से आग इतना बेकाबू हो गया कि इसमें मां बेटे की भी मौत हो गई। आप तस्वीर देखिए। और कोई फंसे हुए हैं क्या अंदर में सर? जैसा कि घर वालों लोग बताए हैं उस हिसाब से कोई कोई फंसा हुआ नहीं है और आग पर काबू पाने के बाद अंदर में तलाशी लेने के बाद ही और पता चल पाएगा कि क्या हुआ है। अच्छा, हम लोग दीवार तोड़ करके जितना संभव सा प्रयास किया, उसमें दो व्यक्ति का मिला है, सब निकाला गया है और प्रयास किया जा रहा है। दो व्यक्ति का डेथ हो गया है, आग लगने की सूचना 10:22 में मिली। हम लोगों ने वहां से फायर स्टेशन से गाड़ियां भेज दिया, फिर उसके बाद मालूम हुआ कि एक दो लोग शायद ऊपर फंसे हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म पटना से डीजी फायर एंड होमगार्ड मैडम को हम लोगों ने फोन किया, वहां से उन्होंने भेज दिया। फिर मानार फायर स्टेशन से गाड़ियाँ आई, दो गाड़ी महुआ फायर स्टेशन से आई, दो गाड़ी मुजफ्फरपुर से आ रही है, बाकी छोटी मिस टेक्नोलॉजी की गाड़ियां हैं उसका भी हम लोग उपयोग कर रहे हैं, उसकी गिनती हम लोग नहीं कर पाए कितनी गाड़ियां कहां से आई हैं। बाकी बड़ी गाड़ियां 3, 2, 5, 1, 6, 3, 9, 2, 11 हैं। कैसे आग, कहां पे आग लगी थी सर? अब ये अभी फिलहाल पता नहीं चल पाया है क्योंकि अभी हम लोग रेस्क्यू और बुझाने में लगे हैं, उसका कारण हम लोग ढूंढ रहे हैं। फिर जो मार्केट है या फिर जो बिल्डिंग के ओनर हैं उनसे पता करके हम लोग बताएंगे। आग नीचे लगी थी और ऊपर चली गई? हाँ, आग नीचे लगी थी और ऊपर गई है। अंदर में कितने लोग फंसे होंगे की सूचना? अभी ये एक लोगों के मशीन की सूचना ये लोग दे रहे हैं जिनको अभी हॉस्पिटल भेजा गया है और फिलहाल अभी झुलसा भी है इसमें? नहीं, झुलसा कोई नहीं, झुलसा है। अभी क्या रेस्क्यू चल ही रहा है? हाँ, रेस्क्यू चल रहा है, रेस्क्यू चल रहा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं रेस्क्यू चल रहा है। हमारे हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म से भी फायर के जो लड़के हैं वो जा करके रेस्क्यू कर रहे हैं, बुझाने का काम कर रहे हैं और हम लोग लगे हुए हैं। फिर विशेष जो होता है फिर हम लोग अपने लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।